পাইপন তো মনে পাইপন পাইপন जी। हमारा मसला यहाँ पे ये है कि हमने डिपार्टमेंट ने बहुत साल पहले 1980s में एक पंप स्टार्ट किया था इरिगेशन पर्पज़ के लिए, ताकि इससे हमें पानी मिले इरिगेटेड लैंड के लिए। अब बदकिस्मत की बात ये है कि बहुत सालों से ये चल नहीं रहा है। अब उसके बाद हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कोशिश की थी कि उसको फिर से स्टार्ट करने की। अब डिपार्टमेंट ने उस टाइम बहुत तावन किया था, तो उन्होंने फिर से इसको स्टार्ट करने की कोशिश की। जिस जितना भी उसका पंप सिस्टम था वो ख़राब हो चुका था, वो उन्होंने फिर से लगवा दिया। अब बदकिस्मत की ये बात है कि 1 जून को हमने शाली लगानी थी, तो हमने जब शाली लगाई इसी भरोसे, क्योंकि इस साल तो पानी है ही नहीं, नाले में बहुत कम पानी है, क्योंकि मेन सोर्स तो नाले का ही था, बर्फ़ तो हुई बहुत कम, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई, तो एक उम्मीद थी कि इस पंप स्टेशन से हमें पानी मिलेगा। जब हमने शाली लगाई है, शाली लगाने के बाद जब हम इनके पास आ गए कि यार पानी चला, वो कह रहे हैं कि नहीं यार इसका तो स्टेबलाइजर ख़राब हो गया है। अब स्टेबलाइजर ख़राब हो गया है, चलो ठीक, एक दो दिन में उसको ठीक करके लाएंगे। अब इतना टाइम हो गया, हमने शाली लगाई है, अब पोजिशन ये हो गई है कि ज़मीन अब सूख रही है, तो हमें इस टाइम हम डिपार्टमेंट, जो भी इस कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ एंड प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि हमारा ये मसला हल हो जाए।